भीषण गर्मी से बचना चाहते हैं, कूलर और एसी खरीदना चाहते हैं, आइसक्रीम रखने के लिए डी फ्रीजर खरीदना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक के लिए वीसी कूलर खरीदना चाहते हैं, तो आइए सत्य सिक्योरिटी के शोरूम में इसी डी फ्रीजर और वीसी कूलर की पूरी रेंज के लिए पधारे सत्य सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन बड़ा बाजार कटिहार। हमारा मोबाइल नंबर है 06652245793 9। और अब अंतिम खबर। लोग कहते हैं कि खून पसीने की कमाई खाया करो, लेकिन इन दिनों यह कहावतें भी बदलती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल इन दिनों कुछ लोगों को पसीने में बने चावल खाना बहुत पसंद आ रहा है। कुछ लोग लड़कियों के पसीने में चावल बनाकर खा रहे हैं। आखिर यह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे क्या है कारण? लोग पसीने में बने चावल को खाना पसंद क्यों कर रहे हैं? इससे जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। खाने पीने के शौक में कई बार लोग कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर बैठते हैं कि एक अजीबोगरीब डिश बनकर तैयार हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि जापान में इन दिनों एक ऐसा स्नैक पॉपुलर हो रहा है जिसे बनाने के लिए लड़कियों के बगल का पसीना इस्तेमाल किया जा रहा है? जी हाँ, अब आप इसे पागलपन कहें या कुछ और, लेकिन सच यही है कि लोग इन राइस बॉल्स को खरीदने के लिए 10 गुना ज्यादा पैसा देने को भी तैयार है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। ओनिगिरी, ये जापानी राइस बॉल इन दिनों जापान में काफी फेमस हो रही है। बता दें, इस डिश को बनाने के लिए सबसे पहले शरीर के अंगों को सैनिटाइज किया जाता है और फिर लड़कियों को एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है जिससे वे पसीने से लथपथ हो जाएं। इसके बाद इन राइस बॉल को आकार देने के लिए हथेलियों की जगह बगल यानी आर्म पिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह डिश इतनी मशहूर हो गई है कि हर कोई इसका स्वाद चखने को बेताब है। यही वजह है कि कुछ रेस्टोरेंट्स इसे साधारण राइस बॉल की तुलना में 10 गुना ज्यादा पैसे देकर खरीदने को तैयार है। जापान के कई होटल में लोगों को अपने किचन में जाकर इन राइस बॉल को बनते हुए देखने की इजाजत भी दे रहे हैं, यानी खुले तौर पर इस बात का प्रदर्शन किया जा रहा है कि लड़कियां सचमुच में अपने बगल का पसीना मिला रही हैं या नहीं मिला रही हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसे में आपको बता दें कि साल 2013 में इसे लेकर एक स्टडी हुई थी जिसमे पाया गया कि बगल के पसीने में एक खास फेरोमोन होता है जिसे सूंघने या चाटने पर इंसानी इमोशंस में सुधार लाया जा सकता है। हालांकि वायरल होने के बाद से ही इस अजीबोगरीब डिश ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है। वैसे इस खबर को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।